हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर इस तरह की न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको इस तरह की न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है कान मास्टर। तो आपको कान मास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। कान मास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको Nano S60 की साइज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम वॉलपेपरों के या फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको यहाँ से वॉलपेपरों को या फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6-7 वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लिया है। आपको फर्स्ट में एक ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक कर यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट कर लिया है। बैक आना है, आपको वॉलपेपर के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लिप ग्राफिक्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक समर वेकेशन वाली क्लिप ग्राफिक्स को इसमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना, नीचे एक ऑप्शन मिला है गेट मोर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको यहाँ से नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रे वाले, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है समर वेकेशन, इस वाले क्लिप ग्राफिक्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड वाले, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समर वेकेशन वाली क्लिप ग्राफिक्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। बैक आना है, तो मैंने समर वेकेशन वाली क्लिप ग्राफिक्स को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो इसमें हम वॉलपेपर में समर वेकेशन वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा देंगे। इस तरह से आपको सभी वॉलपेपर में समर वेकेशन वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। तो चलिए हम जल्दी से समर वेकेशन वाली क्लिप ग्राफिक्स को सभी वॉलपेपर में लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने समर वेकेशन वाली क्लिप को सभी वॉलपेपर में लगा दिया। इस तरह से आपको भी लगा देना है। लगाने के बाद आपको वॉलपेपर के बीच में एक प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर डॉली वार्प वाले ट्रांजेक्शन इफेक्ट को इसमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है गेट मोर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको सेकंड ऑप्शन पर मिल रहा है एक्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ से डॉली वॉलपेपर वाले ट्रांजेक्शन इफेक्टों को डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है डॉली वॉलपेपर वाला इफेक्ट, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको डॉली वॉलपेपर वाले ट्रांजेक्शन इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो आपको सभी वॉलपेपर के बीच में इस वाले ट्रांजेक्शन इफेक्ट को लगा देना है। इस तरह से आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डॉली वार्प वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको सभी वॉलपेपर के बीच इस वाले इफेक्ट को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने डॉली वार्प वाले ट्रांजेक्शन इफेक्ट को सही वॉलपेपर में लगा दिया है। इस तरह से आपको भी सही वॉलपेपर में लगा देना है। बैक आना है, फर्स्ट पोजीशन पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन सॉन्ग वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस वीडियो की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद जहाँ से आपका वॉलपेपर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आपको इस वीडियो को कट कर देना है।
तो हम यहाँ से इस वीडियो को कट कर देंगे। कट करने के लिए आपको वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे का ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट एट प्लेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो बीच में से कट हो जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो को बीच में से कट कर लेना है। कट होने के बाद आपको वीडियो की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको रोटेट कर देना है, इस तरह से घुमा देना है। आपको फुल स्क्रीन में इसको लगा देना है, इस तरह से आपको इसको लगा देना है। तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी, आप देख सक्ते हैं। आपको सेकंड बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको आपको नीचे साइड में अच्छे से इसको लगा देना है, इस तरह से। लगाने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अभी कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक इफेक्ट को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। आपको इस इफेक्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इफेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में लगा लेना है। फुल स्क्रीन में लगाने के लिए आपको कैची के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका इफेक्ट फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे इफेक्ट वीडियो में लग चुका है। आपको बैक आना है। यहाँ से आपको इसमें एक शैडो इमेज को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके जहाँ से वॉलपेपर आना चालू हो रहा है, यहाँ से आपको एक शैडो इमेज को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक शैडो पीएनजी इमेज को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस पीएनजी इमेज की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस पीएनजी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे साइड में इसको लगा देना है। आपको लेफ्ट साइड में थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है सेंड टू बैक, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी शैडो इमेज इस तरह से लग जाएगी। आपको इसकी इमेज की लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। बैक आना है, फर्स्ट पोजिशन पर आना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के वाले में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बैक आना है, बॉर्डर लाइन की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींचकर वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको वीडियो के एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट कर देना है। कट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू एड टू पेड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। इस तरह से आपको सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहां से वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी क्वालिटी हम वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहां से हम इसको 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वाले पेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।